वेरी गुड, बहुत अच्छे। और भरोसा करो जीजू पे। तो कैसा लगा दाढ़ी कटवा के ऋषभ? क्यूट तो बड़ा लग रहे हो। बेचारा ऋषभ रो रहा था। ईशु जो है वो मस्ती करते करते थक गया और यहाँ वर्षा उसको देखे जा रही है। क्या ईशु मिला आप लोग को? हम लोग को बहुत सारा पैसा मिला। ठीक है, कौची का 30% केक लाए ना? हाँ तो केक लाए तो क्या मतलब, तो सरप्राइज दिया। हाँ, तो वो तो सरप्राइज था। बड़का वो वाला लक्षण मत करो कि बॉयज लोग में जो बर्थडे होता है ना तो ग्रुप बनाता है कि हाँ ऋषभ का बर्थडे, और उसको भी मैसेज कर देता है जैसे जिसका बर्थडे उसे भी भाई 50 रुपए घट रहा है केक के लिए। बर्थडे में दिए। हाँ तो मतलब इसका मतलब क्या? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो काफी खास है। खास इसलिए क्योंकि हम लोग जो है वो आज एक मंथ कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, यानी कि आज हम लोग का फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है। तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करते हैं कि कैसा एक मंथ हम लोग का साथ में गुजरा, और ये भी बताएंगे कि क्या हम लोग इस एक मंथ में हम लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ या कैसा माहौल था, क्या कुछ था सारा कुछ। तो हुआ था, एक दिन लड़ाई हुआ था, और वो भी ऐसा हुआ था कि दोपहर में ये फोन बहुत यूज कर रहा था तो हमको गुस्सा आ गया, और फिर उसके बाद हम इसे फोन छीने, फिर उसके बाद ये गुस्सा हो गया, फिर उसके बाद हम भी गुस्सा हो गए, फिर हम चले गए, फिर उसके बाद फिर मनाने के लिए बेचारा फिर रात में घुमाने के लिए ले गया, फिर रात में मूवी भी दिखाया, बर्गर ये सभी खिलाया, फिर उसके बाद रात में हम लोग कितने बजे 1:30 बजे तक बाहर ही घूमते रहे, फिर लास्टली 2 बजे 2:30 बजे तक घर आए थे। तो वैसे ये था इसके वर्जन में, बाकी मेरे वर्जन में आप लोग सुन लो। हुआ क्या था एक्चुअल में कि ये तो हमेशा फोन चलाती है जब इसका मन करता है। अच्छा। हम लिए थे खाने टाइम में फोन हाथ हाँ, में हाँ, उस पर ये गुस्सा आई, डायरेक्ट जो है वो ऑफ कर दी फोन को। हाँ, तो हम थोड़ा सा चिल्ला के बोले कि ऐसे क्यों कर रही हो, फिर मम्मी से भी डांट सुनवाई। हाँ तो मम्मी से भी डांट सुने थे। खैर फिर जो है वो मिला जुला के जो है वो शाम में हमको ले जाना पड़ा बाहर, जो काफी महंगा पड़ा मेरे लिए, इसलिए अब हम डिसाइड कर लिए कि जो है वो बीच में कभी गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि काफी महंगा पड़ता है मनाने में। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये सब जोड़िए कभी कभी नोकझोंक वगैरह, तो एक मंथ जो है वो काफी अच्छा गुजरा। अभी भी हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग जो है वो शादीशुदा कपल है, और हम लोग एक मंथ जो है वो गुजार चुके हैं साथ में। तो ये अच्छा था, और होप करते हैं कि आप आगे भी जो है वो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। बाकी आज जो है वो हम लोग के लिए जो है वो बोकारो से मम्मी माही ईशु लोग भी आए हैं। तो आए हुए थे एक्चुअली परसों ही, क्योंकि कल हम लोग को वाटर पार्क जो है वो जाना था, तो हम लोग वहां भी काफी इंजॉय किए। कुछ कुछ फुटेज हम लोग वहां का लिए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर ब्लॉग पॉसिबल होगा तो वो भी हम लोग डालें, बट पानी वानी की वजह से उतना अच्छा फुटेज नहीं आया, तो देखते हैं अगर हो पाएगा तो वो हम लोग डालेंगे, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे। बट जो प्लानिंग हम लोग का था इस ट्रिप में वो यही था कि पहले हम लोग साथ में वाटर पार्क में एंजॉय करेंगे, उसके बाद आज जो हम लोग का वन मंथ एनिवर्सरी पूरा हो रहा है। हाँ। तो शायद कुछ मम्मी लोग प्लान की हुई है तो उसका भी कोई आइडिया है नहीं, तो मिलेंगे तो सबसे आप लोग को भी जो है वो मिलवाएंगे। हाँ बस हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि थोड़ा सा रेडी हो जाने के लिए। हाँ। तो बाकी जो मेरा गेटअप है वो ये व्हाइट शर्ट नीचे में व्हाइट जींस, बाकी अभी पाँव में कुछ नहीं है, तो बताना कि कैसा लग रहा है। और ये वन पीस पहनी है व्हाइट में जिसमें फ्लावर जो है वो शेडेड है थोड़ा बहुत, लग रहा है हम लोग गोवा बीच पे जा रहे हैं। हाँ तो गेटअप तो ऐसा ही है कि गोवा बीच टाइप का है हम लोग का ये। बाकी बहुत जल्दी जो है वो हम लोग कहीं घूमने भी जाएंगे बाहर, तो उसका भी ब्लॉग आप लोग को जो है वो दिखाएंगे। अभी हम लोग बाहर नहीं जा पाए क्योंकि वर्षा का एग्जाम वगैरह सब चल रहा है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा डिले करना पड़ा इसमें, बट हम लोग श्योरली कहीं ना कहीं जाएंगे। बाकी मिलवाते हैं वन बाय वन सबसे, इशू वगैरह सबसे भी, ठीक है। जैसा कि हम बताए थे कि मम्मी लोग इशू माही लोग यहाँ पे आए हैं, तो देखिए इशू मेरे ही से मिलता जुलता टी शर्ट पहना है, हालांकि इशू का जो है वो टी शर्ट है ऊपर, नीचे जो है वो फौजी टाइप का कैफरी पहना हुआ है, बाकी मेरा तो देख ही चुके थे ब्लैक जींस, बट ऊपर वाला थोड़ा सा मैच कर रहा है। तो इशू तुम मेरा देखा देखी पहने या हम पहने बाद में? आप नहीं, पहले हम ही पहने हुए थे, बाद में इशू को लगा कि हाँ जीजू पे अच्छा लग रहा है तो मेरे पे भी आएगा। झूठ हो रहा है उसके बाद वो देख के अच्छा द बैकग्राउंड साउंड कैन बी इग्नोर्ड गाइस। ओके सो हम और इशू अभी फ्रेम में, तो हम लोग बात करते हैं। बता दो इशू कौन पहले पहना था। बाकी इशू के बारे में एक चीज और बताना चाहेंगे, इशू अभी जस्ट अपना जो वो सिंगिंग वाला चैनल बनाया जिसका नाम है मेलोडियस अक्षत, तो काफी अच्छा सॉन्ग जो है वो गाता ही है जो आप लोग अलग अलग वीडियो में देखे होंगे। तो हम इशू का जो चैनल का लिंक है वो भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट करना, और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना इशू को। तो इशू क्या प्लानिंग चल रहा है आज का कोई आइडिया? हम लोग को तो बताया नहीं गया कुछ भी, बस बोला गया कि हाँ रेडी हो जाने के लिए, तो हम सोच रहे हैं शायद कुछ
प्लानिंग कर रहे होगे तुम लोग? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है भैया, दीदी कोई आइडिया होगा? हाँ पता लगता है तुमको सब है, लेकिन बस तुम छुपा रहे हो। हम लोग नहीं रहा है, हालत से छुपा रहा है। तो अभी हम लोग जो है वो ऊपर वाले रूम में है। एक्चुअली हम लोग लास्ट एक दो दिन से यहीं पे हैं। कल तो बस हम लोग बाहर ही थे वाटर पार्क में सबके साथ, तो कल भी काफी मजा आया था। इशू है ना, कल जो है वो हम लोग दिन भर मतलब सुबह गए तो लगभग शाम 6-7 बजे वहां से रिटर्न आए, इतना 8 बजे घर पहुंचे, लेकिन वहां से और काफी मजा आया था। मतलब इतने थक गए थे कि एकदम हिम्मत नहीं हो, मतलब इतना जो इतना एंजॉय हम लोग जो किए हैं वो कभी नहीं किए थे आज तक वाटर पार्क में। पहले भी जा चुके हैं बट इतना मजा कभी नहीं आया था। डूबते डूबते और ईशु तो मेरे साथ दो दो राइड किया था वो वाला, लेकिन हम लोग बच गए। हम लोग का लैंडिंग बहुत अच्छा हुआ था। इन लोग का लैंडिंग कैसा था? घुस गए अंदर। इन लोग का क्या हुआ ना कि वो जो होता है ना बैलून वाला जिसमें बैठ के आप स्लिप करते हो, मतलब स्लाइड करते हो, तो इस ये लोग क्या की कि बीच में ही ये लोग बैलून से उतर गई या फिर खुद चला उतर। तो हम लोग का कैसे नहीं हुआ, हम लोग का लैंडिंग काफी तो अच्छा हुआ था। वो तो कोइंसिडेंस था कि दो बार कोइंसिडेंस, दो बार तो हम नहीं गिरे, एक ही बार दो बार देखे। फर्स्ट टाइम भी वही हुआ था मेरे इशू का, जब हम लोग ट्राई किए तब तक हम लोग स्लाइटली एकदम इवन। हम लोग जब पुल में गए थे उस टाइम में भी हम लोग का कुछ दूर तक तैरते ही रह गया। फर्स्ट टाइम जो हम लोग को जब उतारा गया तब हम लोग डूबे थे। खैर जो भी गिरी वही काफी था। तो जैसी करनी वैसी भरनी गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ईशु जो है वो मस्ती करते करते थक गया और यहाँ वर्षा उसको देखे जा रही है। क्या ईशु? ईशु के टी शर्ट पे देखो बैग, एक एक्स्ट्रा बैग दिया हुआ। नहीं, ईशु का ये पता है कैसा है, डोरेमोन का जैसा नहीं रहता था आगे में, वैसा ही बना हुआ है। पूरा दिखाओ टी शर्ट इशू उठ के, अपना गैजेट्स दिखा। अच्छा पूरा दिखा दो। इशू का गेटअप बड़ा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो बात है हमेशा से ही, एक तो सुंदर भी है प्लस कपड़ा भी उसी तरह का। और ये देखो ये बैग जो है वो काफी क्यूट लग रहा है, हालांकि ये बैग नहीं टी शर्ट पे डिजाइन है, प्लस टैलेंटेड भी है। हाँ तो हम लोग के सामने जो ज्यादा मतलब हम लोग को कम्पीट कर रहा है वो इशू ही है, मतलब हम लोग से ज्यादा ही अट्रैक्टिव दिख रहा है वीडियो में। खैर इशू के लिए सही, आप वीडियो को लाइक जरूर करना और सुंदर ऐसे कौन लग रहा है उसके बारे में आप कमेंट लिख सकते हो। आई होप कि मेरा ही नाम आएगा, बट फिर भी जिसका नाम लेना होगा आप लोग ले सकते हो। तो अभी जो है वो वर्षा रील सेलेक्ट करे कि कौन सा रील हम लोग जो है वो रिकॉर्ड करें। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जब भी रेडी होते हैं तो हम लोग दो चार रील बना ही लेते हैं पोस्ट करने के लिए, इसीलिए आप लोग देखते भी होंगे कि हम लोग का दो तीन रील होता है एक ही कपड़े में, क्योंकि हम लोग एक ही बार में शूट कर लेते हैं उसको, वन बाय वन जो है वो पोस्ट करते हैं। तो अभी भी वही चल रहा है। तो अभी हम लोग का प्लानिंग है कि जब तक मम्मी लोग नहीं आ रही है ऊपर तब तक हम लोग एक दो रील शूट कर लें, और ये रील भी आपको दिखता होगा इंस्टाग्राम पे और जो शॉर्ट्स के फॉर्म में हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं। तो बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी जरूर जाके फॉलो करना गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, आप लोग वहाँ फॉलो करोगे तो आप लोग से जो है वो हम लोग और अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे लाइव जाते हैं उसके बाद फिर जैसे आप लोग वहाँ मैसेज भी कर सकते हो, हम लोग से बातचीत भी कर सकते हो, तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आज ही जाके फॉलो करना। ऐसे इंस्टाग्राम पे हम लोग को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आई होप कि आने वाले टाइम में हम लोग यूट्यूब पे भी अच्छा करेंगे जैसा आप लोग सपोर्ट करते जा रहे हो। बाकी इशू और वर्षा अभी तक जो है वो बिजी है, हम लोग काम ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो, तो इशू एक गाना सुनाओगे? ऐसा करते हैं इशू तुम्हारा लिंक डाल देते हैं चैनल में, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं इशू के चैनल का भी। हाँ। और इशू का जो इतना अच्छा अच्छा सॉन्ग है उसको भी लोग देखेंगे जाके, काफी पसंद आएगा। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं, मतलब इस वीडियो में सॉन्ग ना डाल के। हाँ। उधर जो है वो हीरो आ गया, हेलो, एंट्री ले रहा है। कहाँ थे जी तुम? सोए हुए लग रहा था चेहरे से। हमको अच्छा, हमको आपसे बहुत जरूरी काम। क्या जरूरी काम है? हम आपको दे रहे हैं। क्या है? थोड़ा ट्रिमर दे रहे, थोड़ा ही बना दीजिए। मतलब हम तुमको बार बार दिख रहे हैं? हमको नहीं आता है, एक बार ही सेव नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है हम ट्राई करते हैं। लाओ हम ट्राई करते हैं। अच्छे से ही बनाएंगे, अच्छे से। आप लोग गाइस देख लीजिए अभी मेरा कैसा लग रहा है। अभी बिफोर द लुक आप लोग देखो, आफ्टर लुक अच्छा लगना चाहिए, नहीं लगेगा तो अनसब्सक्राइब करवा देंगे इनका चैनल। ठीक। अरे यहाँ आप देख सकते हैं दोनों अभी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। हम अपना एक नया प्रोफेशन स्टार्ट किए, बारबेक्यू वाला बिफोर लुक और अभी आफ्टर लुक जो दिखाने वाले हैं। पैसा कितना लोगे? पैसा कितना लोगे वंडू? प्रोफेशनल वे में करना है। वंडू पैसा कितना लोगे? पैसा लेंगे जिंदगी भर का सेवा। ऋषभ कितना दोगे? अच्छी बात, ठंडा भी लगे। देख लो ऋषभ, खराब ना कर दे, हमको लग रहा है खराब ना कर दे।
जा, बाल निकल भी रहा है, दिखा देते पास से, जा सारा बाल उड़ा दिया ये तो, देख लीजिए गाइस, देख लीजिए बाल आ कहाँ रहा है इसमें, तो कम करना पड़ेगा, दो से करना, तो आप देख सकते हैं, तो ऐसे छिली रहे तो कहाँ से आएगा, रुको 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 देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए ऐसे, यहाँ पापा रेडी होके आ गए, पापा देखिए मनु ऋषभ का दाढ़ी बना रहा है देख लीजिए पहले से बोल रहे थे दाढ़ी बना रहा है दाढ़ी बना रहा है यहाँ मम्मी 40 रुपए है सर, तो कोई सड़ा हुआ टमाटर देगा, सड़े हुए टमाटर से सड़े हुए अंडे से मारेगा, तीन पे खुद ना सेट करके देख, चाल चल रहा है चाल, साढ़े चार हो गया, चलो छोड़ देता हूँ कट बना देता हूँ बेचारा, और जीरो कर रहे यहाँ पे निशान बना रहे जल्दी यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कितना फनी टाइप लग मेरा तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रहा अभी और ज्यादा फनी लग रहा है हाँ, और इसी तरह उसका सारा बाल हट गया, हम सारे कल्याण रुके हुए थे कि जीजू आएंगे तो अच्छे से बना देंगे, हम चला नहीं रहे थे खुद से चीन, कल्याण हो गया कल्याण, साफ नहीं करना था, हो गया हो गया, छोटा करना था, फ्रेंच कट रख दिया, चलेगा दिखा उसको लुक दिखा, नहीं तो नीचे से पूरा हटाइए ना, नीचे पड़ा था क्या वो तो कटा हुआ, ये ऐसा ही है दाढ़ी वाला, पूरा हटा दे, देख लो एक बार देख लो ऋषभ जाके, हमको तो अच्छा लग रहा है, हाँ एम आई बुला रही है मम्मी, वेरी गुड बहुत अच्छे, और भरोसा करो जीजू पे, नेक्स्ट टाइम उसे इसी से बनवाना ठीक है, चलिए कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, हाँ बहुत ही फनी टाइप, बाकी आप बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट गलती से भी बुक ना करें वरना आपका देखो तुम्हारी दाढ़ी कट तो कैसा लगा दाढ़ी कटवा के ऋषभ, क्यूट तो बड़ा लग रहे हो, बेचारा ऋषभ रो रहा था, तो अगर दाढ़ी अगर अच्छा होगा तो इस वीडियो को 100 लाइक कम से कम मिलना चाहिए ऋषभ के नाम पे भी, बाकी इधर सबको जो है रेडी है, माही अभी तक स्टाइल मार ही रही है मेकअप करके, अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पे, अभी जो है वो मम्मी और पापा, इधर दादी उधर ज्योति और इधर पापा, ज्योति इधर देखो, इधर ज्योति भी है और यहाँ पे दादाजी, तो इतने सब लोग जो है वो जुड़े हो, इशू छुपे हो तुम, अच्छा केक का निगरानी कर रहे हो, तो यहाँ पे सब कोई जो है वो हम ही लोग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग का 1 मंथ यहाँ पे सेलिब्रेट होने वाला है, तो केक वगैरह आ चुका है, आप लोग भी बने रहो ब्लॉग में, काफी मजा आएगा, हाँ एक बार केक दिखा दो, लोरी सब दिखा दो, 1 मंथ एनिवर्सरी, तो शुरू करते हैं हम लोग केक वेक काटते हैं, आप लोग को भी खिलाएंगे, आप लोग भी बने रहना, खुश तो बहुत हो रहे, आप लोग बताइएगा जीजू का कपड़ा कैसा लग रहा है, बाकी बाद में हम बताएंगे, ये कपड़ा जो है ऋषभ ही सेलेक्ट किया हुआ था अपने लिए बट हम ले लिए अनफॉर्चुनेटली, तो आप लोग इस कपड़े में मेरा रील देखोगे पहले, दुबला हो गया देखिए इसके कपड़ा हो गया, चलो फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी आज वर्षा का और प्यारे मेहमान जी का आज है, तो हम लोग सब बहुत खुश हैं और आज केक कटिंग भी, केक कटिंग भी होने वाला है, प्यारे बस मेहमान जी हैं, तुम तो प्यारी है तुम तो लाडली, देखो देखो इधर देखो इधर देखो, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हम लोग, चलो चलो चलो, आप लेखाते रहिए, तंदरुस्त रहिए।
और सब YouTube फैमिली को भी खिलाओ, आप लोग को भी। टाइटैनिकला सीन देखा था? तो जो सरप्राइज था वो हम लोग को काफी पसंद आया। अभी जस्ट सब लोग केक काट रहे हैं, सबको खिलाने के बाद केक लगाए भी है बहुत। फिर आपसे जो मिल रहे हैं और यहाँ जो है माही पेट पूजा कर रही है, केक खा रही है, बाकी दादा भी बैठे हैं बीच में, और इशू भी है उधर ऋषभ कॉर्नर में, उसको भी दिखा दो एक बार। वो तो गाना सुना किसी गम में डूबा हुआ, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। बाकी आप दादा को देखिए, दादा कितने हैंडसम है। इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। फोटो शेयर कर रहे हैं हम, मेरा स्क्रीन आप लोग देख दे नहीं कर रहे। बाकी दादा को देखिए और आप लोग अंदाजा लगाइए कि दादा अपने टाइम में कितने हैंडसम रहे होंगे, वरना दादी को ऐसे ही नहीं पसंद आ गए दादा। और उधर क्या कर रहे थे ऋषभ, तुम फोटो शेयर कर रहे हो किसको? खुद ही मांगे थे, अब नहीं कर रहे। कर दो ना। ये तो अभी हम लोग को काफी हम लोग को पैसा वैसा मिला है, तो उसके बाद भी पार्टी चलेगा। हाँ, आज भी चलेगा। बहुत सारा पैसा मिला है। क्या मिला आप लोग को? हम लोग को बहुत सारा पैसा मिला। ठीक है, माही का बना हुआ हुआ कौची का 30% केक लाए ना। हाँ तो केक लाए तो क्या, मतलब तो सरप्राइज दिया। हाँ, तो वो तो सरप्राइज था बड़का। वो वाला लक्षण मत करो कि बॉयज लोग में जो बर्थडे होता है ना, तो ग्रुप बनाता है कि हाँ ऋषभ का बर्थडे, और उसको भी मैसेज कर देता है, जैसे जिसका बर्थडे उसे भी भाई 50 रुपए घट रहा है केक के लिए बर्थडे में दिए। हाँ तो मतलब इसका मतलब क्या, तुम अपने बर्थडे में कंट्रीब्यूट किया। हाँ तो तुम हो गए जो अपना बर्थडे पैसा दे के मनवाते हो गए। हम लोग के पीछे हम लोग का फैमिली है जो हम लोग के लिए करता है बहुत सारा चीज। और नहीं तो क्या, इम्पोर्टेंस का इम्पोर्टेंस मैटर। इसको केक से फुर्सत नहीं है, इसको पानी से फुर्सत नहीं है। मैं कोक के बोतल में पानी पी रहा हूं। केक खाते खाते अपना दुखड़ा बता रही और ईशु और माही जो है, मतलब अभी जस्ट देखो लगभग जो है 5 बज रहा है, जल्दी जल्दी मम्मी लोग जो है वो केक मंगवाई और जो है वो हम लोग के लिए इतना कुछ की, बट ये लोग जो है वो अभी जस्ट निकलने वाला है। 6 बजे ना निकलोगे, तो अभी लगभग आधे घंटे में इन लोगों को निकलना भी है, तो जल्दी जल्दी में जो है ये हम लोग के लिए इतना स्पेशल हम लोग को फील करवाया। दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर अस, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव फॉर अस। थैंक यू। हाँ, उसके लिए मम्मी लोग को, पापा लोग को, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को बहुत बड़ा थैंक यू। और बाकी इशू और माही फिर हम लोग मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, और हो सकता है कि बोकारो जाके मिलेंगे, तो बहुत सारा मस्ती होगा। फिर वो वाला ब्लॉग सब भी लोगों को मिलेगा, काफी इंजॉय हम लोग करेंगे। बाकी फिर से एक बार इशू का जो चैनल है आप उसको जरूर चेकआउट करना, और इस वीडियो के आते आते जो है इशू का कम से कम 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाना चाहिए गाइस, प्लीज आप उसको जल्दी करवाओगे। ठीक है, तो पहला माइलस्टोन बस हम लोग आपको दे रहे हैं कि 100 सब्सक्राइबर बस पूरा करवा दो, ठीक है, ताकि इशू को मोटिवेशन मिले और इशू और ज्यादा जो है वो मेहनत करके जो नया नया सॉन्ग्स का जो है वो
वीडियो अपलोड करें। बाकी अगर आपका कोई रिक्वेस्ट अगर है तो आप इशू के कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ ये गाना गाओ इशू, तो वो उस गाने पे भी वीडियो जरूर बनाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेलोडियस अक्षत नाम से चैनल, आप सर्च भी कर सकते हो। अक्षत राज हाँ, और बाकी चैनल के जो प्रोफाइल डीपी में जो है वो इशू का फोटो है, तो आप उससे भी जो है वो पता लगा सकते हो उसका चैनल। बोल रहे हैं कि लगातार बोल ही रहे हैं। बाकी दादा बोल रहे हैं कि लगातार कितना बोले है, समथिंग उस लैंग्वेज में। अब हम लोग का चेहरा दिखा के खुद बोल रहे हैं। यस यस यस, क्योंकि तुम लोग का चेहरा ज्यादा प्यारा है, हम तो बस कमेंट्री कर रहे हैं पीछे में। इसका चेहरा तो उसका चेहरा सबसे खूबसूरत है। बाकी फिर से दाढ़ी कैसा लगा, पे मी लेटर, थैंक्स मी लेटर। बाकी गाइज आप लोग भी मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कब आओगे वापस? आएगा उससे पहले एक बार और आ जाना। देखे हम तो बोल रहे यहीं पर रह जाओ। हाँ। यहीं पर आ जाओ, फिर हम लोग जाएंगे ना। अब तो ये लोग आएंगे फिर यहाँ प्यार दिखाते हुए। चप्पल है आ। तो अभी जस्ट जो है वो मम्मी लोगों को हम लोग सी ऑफ किए हैं, और ये जो टाइम है वो थोड़ा सा इमोशनल का होता है, लास्ट टाइम जो होता है गुड बाय कहने वाला, इवन सबके लिए होता होगा ये चीज़। तो खैर जैसे तैसे हम लोग जो है वो गुड बाय किए, और अभी जो है वो घर एकदम खाली खाली सा लग रहा है। हम लोग भी कुछ देर है, हम लोग भी फिर यहाँ से जाएंगे अभी, और बाकी बेचारी दादी लोग पापा लोग फिर से अकेले यहाँ पे हो जाएंगे। खैर कोई नहीं, फिर मिलना जुलना होगा, फिर सारा काम क्योंकि होते रहना चाहिए स्मूथली। और ऐसे भी कुछ दिन के बाद मिलने से क्या होता है कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट और ज्यादा ही रहता है। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे करेंगे एंड, और आपको मिलेंगे नए वाले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा हम लोग का चैनल इसी तरह से। तो चलते हैं, बाय गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।